जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। आज हम देखने वाले कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो और कोई भी वीडियो आप उसमें बना सकते हो और YouTube में अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लैपटॉप के वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं यूट्यूब में, तो उसके लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आज इस वीडियो में वही देखेंगे आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज हम देखने वाले कि आप लैपटॉप की स्क्रीन को स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे कर सकते हैं और एक वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आपको क्रोम में जाना पड़ेगा दोस्तों। क्रोम में जाके यहाँ सर्च मारना है ए पावर सॉफ्टवेयर फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर। इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों। क्लिक करने पे आपको ये सॉफ्टवेयर आ रहा है दोस्तों। इस पर आपको थर्ड लाइन जो है दोस्तों उस पर क्लिक करना है। सॉरी दोस्तों, उस पर क्लिक नहीं करना था। सॉरी दोस्तों, आपको सेकेंड वेबसाइट को क्लिक करना है, फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डायरेक्ट दिखा रहा है कि दोस्तों आपको यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है, डाउनलोड ऐप करना। तो आपको सिर्फ इसको डाउनलोड ऐप पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होने के लिए रेडी हो चुका है और देख सकते दोस्तों यहाँ डाउनलोड हो रहा है। मैं इसको पॉज करता हूँ क्योंकि मैं पहले से इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो पहले मैं इसको पहले पॉज करता है क्योंकि दोस्तों मैं इसको पहले ही डाउनलोड कर चुका है। ये तभी भी डाउनलोड हो चुका है, सिर्फ ये 5-6 MB का रहता है दोस्तों। आप डाउनलोड कर चुके हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है सिर्फ दोस्तों। शो फोल्डर में जाइए दोस्तों। शो फोल्डर में जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको ये यहाँ ऐप दिख रहा है। फिर यहाँ से ओपन कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। मैं इंस्टॉल कर चुका, आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इंस्टॉल कर चुका है, यहाँ देखिए दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है। इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसमें मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ। सेटिंग में आपको क्या क्या करना है स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करने के लिए। आपको सेटिंग में देख सकते हैं, सेटिंग में MP4 है दोस्तों। दोस्तों आप इसमें कुछ सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में आप जाके यहाँ आप माउस पॉइंटर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके माउस पॉइंटर के साइज छोटा कर सकते हैं। और इसमें कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। आपको कौन सा कलर चाहिए वो कलर कर सकते हैं। मैं येलो रहने देता हूँ दोस्तों। इसको ओके कीजिए दोस्तों। ये कलर होगा। ये लेफ्ट बटन और राइट बटन के लिए पॉइंटर है दोस्तों। आप लेफ्ट या राइट बटन दबाओगे जब स्क्रीन रिकॉर्ड होगा तो आपका ये पॉइंटर दिखेंगे। रिकॉर्डिंग के जूम एरिया दोस्तों। और इसमें कुछ गेस्चर है दोस्तों, जैसे कि ये गेस्चर देख सकते हैं। आप अपने तरफ से भी गेस्चर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये स्टार्ट एंड स्टॉप का कंट्रोल एस गेस्चर खुद से बनाया है। इधर कंट्रोल पे टिक कीजिए और यहाँ से आप कौन सा भी गेस्चर ओके कीजिए। आप ये कर सकते हो। ये पॉज और रिज्यूम का भी गेस्चर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से ओके कीजिए दोस्तों। ये और यहाँ से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। हाफ स्क्रीन चाहिए आप हाफ स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ से साइज आप डिपेंड कर सकते हैं। और ये वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं। आपको वेबकैम चाहिए तो वेबकैम ओपन हो जाएगा दोस्तों। आपको वेबकैम नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हैं। और यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये कैंसिल कीजिए। आप देख सकते हैं कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो चुकी है दोस्तों। ऐसे आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डर को स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को मैं खुद पहले इस्तेमाल करता, फिर आपको आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाता, फिर ये वीडियो को अपलोड करता। इसलिए दोस्तों आपको कहता हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर को मैं कभी भी फालतू का नहीं बताने वाला, जिससे आपका टाइम वेस्ट जाइए और आपका नेट खर्चा जाइए। चलो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कैसे उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे उसको यूज़ किया। और आप भी वो ऐप सॉफ्टवेयर यूज़ किए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने ये यूज़ करके देखा है या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।